इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच पहली बार हिजबुल्ला का चीफ नसरल्ला पूरी दुनिया के सामने आया और उसने अमेरिका और इसराइल को खुली धमकी दे दी। नसरल्ला ने कहा कि अगर पूर्ण युद्ध शुरू हो गया तो भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिका के जंगी बेड़े डुबो दिए जाएंगे, अमेरिका के लड़ाकू विमान समंदर में तबाह हो जाएंगे और अमेरिका को अपने सैनिकों की जान से जंग की कीमत चुकानी होगी। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि लेबनान के अंदर सीरिया की एलीट फोर्स इमाम हुसैन ब्रिगेड पहुंच चुकी है। पहले हमास, फिर हिजबुल्ला, इसके बाद हूथी और अब इसराइल से भिड़ने के लिए लेबनान पहुंच चुकी है बेहद खतरनाक और एलीट फोर्स इमाम हुसैन ब्रिगेड। इसराइल के सैनिक 24 घंटे हर सेकंड आंखों में तेल डालकर इसराइल और लेबनान की बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं और ऐसे वक्त में इसराइल को एक बड़ी खबर मिली है। यह खबर नेतन्याहू के लिए मुसीबत पैदा करने वाली है। इमाम हुसैन ब्रिगेड को सीरिया से लेबनान में शिफ्ट किया जा चुका है और लेबनान के अंदर इस वक्त इमाम हुसैन ब्रिगेड को मौजूद बताया जा रहा है। ये दावा इसराइल डिफेंस फोर्स के अरबी भाषा के प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने एक ट्वीट के जरिए दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि हाल के हफ्तों में इसराइल के खिलाफ हिजबुल्ला के बुरी तरह से फेल होने के बाद अब इमाम हुसैन ब्रिगेड सीरिया से लेबनान आ गई है और इसका लीडर जुल्फिकार है। इमाम हुसैन ब्रिगेड को भी ईरान फंड करता है और दावा ये किया जाता है कि ये इमाम हुसैन ब्रिगेड ईरान के सबसे ताकतवर सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को रिपोर्ट करती है। इमाम हुसैन ब्रिगेड का सीधे लेबनान में पहुंचना गुरुवार को लेबनान से एक बार में लगातार 19 हमले और फिर शुक्रवार को हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्ला की फायर ब्रांड स्पीच से साफ है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल के लिए खतरा बढ़ गया है। الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وأن كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि गाजा पट्टी को क्रॉस करके इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास, फिलिस्तीन और हिजबुल्ला ने एक साथ इसराइल पर हमला किया तो इनको रोकना इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्ला की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। इनके सामने इसराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इसराइल के पास 4 गुना ताकत है। लेकिन हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्ला से फिर भी अमेरिका घबराता है क्योंकि नसरुल्ला के पास अपने ओजस्वी भाषणों के जरिए बड़ा संगठन खड़ा करने की और सैनिकों में जोश भरने की अद्भुत क्षमता है। عمليات المقاومة في الجنوب ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان او بقيامه بعملية استباقية باتجاه لبنان أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك ووجودك। सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला के पास एक ट्रेंड सेना है जिस पर विजय पाना हमास से भी ज़्यादा कठिन काम है। हिजबुल्ला के पास हथियारों का विशाल भंडार है। हिजबुल्ला के पास गाइडेड मिसाइलें भी हैं जो इसराइल के अंदर तक मार कर सकती हैं।
हिजबुल्ला के पास एंटी टैंक मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है, जिसकी वजह से इसराइल को नुकसान भी पहुंचा है। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्ला ने तीन तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल की। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास हैं। दूसरी है बीजीएम 71 TOW एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये दोसान नाम से तैयार की जाती है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है। 7 अक्टूबर के बाद हिजबुल्ला सीधे जंग में नहीं कूदा था। इसराइल की तरफ से हिजबुल्ला को चेतावनी लगातार दी जा रही थी, लेकिन नॉर्दर्न बॉर्डर पर जंग की शुरुआत इसराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई, क्योंकि छुटपुट शुरुआती गोलीबारी के बीच सबसे बड़ा और ताबड़तोड़ हमला इसराइल की तरफ से ही किया गया था। हिजबुल्ला के लड़ाकों की मौत जब शुरू हुई, उस वक्त भी हिजबुल्ला पसुपेश में था, क्योंकि तब तक भी उसे नसरुल्ला की तरफ से कोई साफ आदेश नहीं मिला था। लेकिन जब गाजा के अंदर बैप्टिस्ट अस्पताल पर हमला हुआ और बड़ी संख्या में अस्पताल के अंदर लोगों की मौत हो गई, तब हिजबुल्ला ने लड़ाई छेड़ दी। हालांकि ये फुल स्केल वॉर अभी भी नहीं है।